अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। ऐसे में अब देश विदेश में रहने वाले राम भक्त अयोध्या आना चाहते हैं, लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस साल अयोध्या में होने वाली 14 कोसी परिक्रमा पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद भक्त परिक्रमा शुरू होने से पहले अयोध्या पहुंचकर परिक्रमा शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आज राजस्थान से आए श्रद्धालुओं की परिक्रमा करते हुए ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें, करीब 600 श्रद्धालुओं का जत्था राजस्थान के भरतपुर से अयोध्या पहुंचा, जिसमें 300 महिलाएं और 300 पुरुष भी शामिल है। यह एक आपसी सौहार्द और विश्व शांति और भगवान के प्रति लोगों की आस्था जागे, ये हमारा मूल उद्देश्य यह है कि लोगों की आस्था जागे। लोगों हम कर रहे हैं जैसे सब लोग करें, सब लोग साष्टांग प्रणाम, साष्टांग भगवान को प्रणाम करें और विश्व शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो, बस इसके लिए। साधु अपने लिए तो कुछ करता नहीं है, सब भगवान की कृपा और संत महात्मा की कृपा से आज हम यहाँ डंडोती लगा रहे हैं। हमने कभी मन में भी नहीं सोचा था और श्री राम की हम आज जाके अयोध्या डंडोती लगाएंगे। सत्संग के लिए भी आए हैं, हमको अच्छी बात सिखाएंगे, कोई हम अच्छी बात सीखेंगे, संसार में सुख शांति रहे, इसलिए हम भगवान से यही विनती कर रहे हैं। यही आस्था थी कि हमारे श्री राम का मंदिर निर्माण हो और उस निर्माण में हम श्री राम लला के दर्शन करें और लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हुए परिक्रमा